नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथ फाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मैं तो आपसे निवेदन है, हमारे चैनल पर आप प्रथम आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा जगत संबंधी जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो हमारे चैनल के माध्यम से यथाशीघ्र आपको प्राप्त हो सके। जैसा कि आज के समाचार पत्रों में कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं इस प्रकार से हैं। पहली सूचना है, UPSC से उत्तर प्रदेश अतिरिक्त सेवा चयन आयोग की 17 जुलाई को होने वाली अनुदेशक के 2504 पदों पर भर्ती प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है। वह परीक्षा अब 17 जुलाई को नहीं हो रही है। आपको बता दें कि इसी तरह से लेखपाल भर्ती परीक्षा भी रद्द कर दी गई थी। 24 जुलाई जो नई डेट दी गई, उसमें भी आप जानते हैं कि फीस जमा करने की भी 24 जुलाई डेट करके नोटिफिकेशन दे दिया गया। अब आप समझ सकते हैं कि परीक्षा कैसे होगी। UPSC सिर्फ वादे करता है और वादों पर खरा नहीं उतरता है, इसकी सारी बातें कोली साबित होती हैं। तो यह दुखद सूचना है उन सारे अभ्यर्थियों के लिए जो कि तैयारी अच्छे से कर रहे थे। अगली सूचना है, नियुक्ति के 6 माह बाद भी नहीं मिली नौकरी, आयोग पर प्रदर्शन। स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा में चयनितों ने बुलंद की आवाज़। आप जानते हैं कि जो स्टाफ नर्स भर्ती, इसको संपन्न हुए काफ़ी समय हो गया, लगभग 6 माह बीत गए, किंतु अभी तक अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से नियुक्ति पत्र नहीं प्रदान किया गया। तो अभ्यर्थी अब प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, एयरफोर्स की जो भर्ती है जो उसके संदर्भ में है, अधिकतम आयु सीमा 23 वर्ष निर्धारित की गई है। अभ्यर्थी का जन्म 29 दिसंबर 1999 से 29 जून 2005 के बीच हुआ होना चाहिए। पात्रताएँ की बात करें, 50% अंकों के साथ साइंस विषय से 12वीं उत्तीर्ण हो या अभ्यर्थियों के पास इंजीनियरिंग के 3 वर्ष का डिप्लोमा व अन्य निर्धारित पात्रताएँ होनी चाहिए। चयन का जो तरीका है, चयन में फेज 1 ऑनलाइन टेस्ट होगा और फेज 2 फिर साथ में फेज 3 यानी मेडिकल टेस्ट का आयोजन कराया जाएगा। आवेदन की जो अंतिम तिथि है 5 जुलाई 2022 है। आवेदन शुल्क ₹250 है। AGNI पाथ vayu.cdac.in ये जो है वेबसाइट है जिस पर आवेदन होगा। वहीं UPSC से भी पदों पर भर्ती चल रही है, उसको भी आप देख सकते हैं। कोल इंडिया लिमिटेड से भी भर्ती आई हुई है। आप देखेंगे कि 1050 पद इसमें हैं। 1050 पदों पर कोल इंडिया लिमिटेड से भी भर्ती प्रक्रिया संपन्न कराई जा रही है। तो जो भी अभ्यर्थी इन भर्तियों में इंटरेस्टेड हैं, वे अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आगे जो है दिया है, उम्मीदवारों की जो पात्रता है वो 60% अंकों के साथ इंजीनियरिंग से संबंधित BE, BTEC, BSCA अन्य निर्धारित पात्रताएँ होने थे ही। चयन प्रक्रिया की बात करें तो योग्य अभ्यर्थियों का चयन ग्रेजुएट एटीट्यूड टेस्ट पर आधारित होगा। गेट यानी 2022 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का 1.23 के अनुपात में शॉर्टलिस्ट भी किया जाएगा। तो यह महत्वपूर्ण सूचना है। अगली महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हो रही है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 के तहत स्नातक में दाखिले की जो पहली संयुक्त प्रवेश परीक्षा है वह 15 जुलाई से 10 अगस्त तक होगी। यानी यूनिवर्सिटी की जो प्रवेश परीक्षा संयुक्त रूप से कराई जा रही है उसकी डेट क्लियर कर दी गई है। अगली जो महत्वपूर्ण सूचना निकल के आ रही है, बीएड के भी जारी कर दिए गए जाएंगे, ऐसा जो है आज के समाचार कर रहे हैं 25 जून। वही दिया है, हिंदी का अंतिम परिणाम जारी कर दिया जाएगा पदों पर, और हिंदी का जीआईसी का जो परिणाम है वह भी जारी कर दिया गया। इंटर कॉलेजों के टेट से संबंधित सूचना जीआईसी की जो पोस्ट है जो अभ्यर्थी है भी उनको भी जल्द से जल्द सूचना जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन जो सबसे आने की सूचना है वह इन्हीं सारी महत्वपूर्ण अपडेट के साथ। सूचना सुनने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।